एसएसजीडी में जिन छात्रों का लिस्ट में नाम आ चुका है, ये वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए है। तो अब देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहने वाला है, आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। जिनका कम नंबर है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, सभी छात्रों के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स बने वो तो आपका थोड़े दिनों में आ जाएगा, लगभग 31 तारीख तक आपका आना चाहिए। और अभी तक मैंने एसएससीजीडी के लिए जितना भी बताया सारा का सारा सच साबित हुआ है। आप पिछले जितने भी वीडियो वो सारे देख सकते हो। 15 अप्रैल को रिजल्ट आना था, मैंने कहा था 15 अप्रैल को नहीं आएगा, पहले आएगा। तो जितना भी और भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने कहा वो सारा का सारा सही साबित हुआ है। कट ऑफ का मैंने कहा वही सेम टू सेम वही कट ऑफ रही है एग्जैक्ट, उससे ऐसा ही नहीं है कि एक नंबर ऊपर गई एक नंबर नीचे गई, एग्जैक्ट वही कट ऑफ रही है मेरे स्टेट की। तो जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान की कट ऑफ कितना गई है 60 मैंने बताया था 61 कट ऑफ गई है, फीमेल की तो 53 कट ऑफ गई है। तो एग्जैक्ट और भी स्टेट की मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो सेम वही की वही कट ऑफ रही है। बाकी अब जितने भी फिजिकल जिनका नाम आ चुका है उनको क्या करना है, आप एक तो अभी से ही अपना फिजिकल का एकदम बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अभी YouTube पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर आपके इतना नंबर ज़्यादा है तो आप तैयारी करने में कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो आप इस भ्रम में एक बार मत रहिए। क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़े हैं। देखिए ये बात मैं मानता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर कट ऑफ कोई भी आपका स्टेट है उसके ऊपर आपको 5 नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो, बिल्कुल भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेफ हो। और कुछ स्टेट अब 5 नंबर जैसे मैंने बोल दिया, अब कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें मान लीजिए कट ऑफ कितना ही रहा, उससे लास्ट ईयर तो देखा था एक एक दो दो नंबर ऊपर ही गए, फाइनल कट ऑफ भी एक दो नंबर ऊपर गए, तो फिर मेरी बात का क्या रहा। तो आपको इन चीज़ों में एक बार ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से टूट पड़िए फिजिकल पे, दिन रात मेहनत कीजिए, सुबह शाम धूप में मेहनत करते रहिए फिजिकल की। आपको देखिए कंपटीशन अब आपके लिए एकदम कम हो चुका है, छंटनी हो गई है इसमें 25,000 वैकेंसी, 2 लाख जनों में 25,000 वैकेंसी की छंटनी होनी है। और ये भी आपको नहीं मानना चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो अब ये जैसे लिस्ट में नाम आया है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो वो बात भी नहीं है। अभी तक आपका कुल 2 लाख से ज़्यादा जनों को इसमें क्वालिफाई किया है। अब फिजिकल में छंटनी होगी, उसके बाद में कुछ मेडिकल में छंटेंगे, तो इस तरह टोटल 25,000 जने इसमें जाने वाले हैं। तो अब मैं आपको फिजिकल की कुछ टिप्स देता रहता हूँ वीडियो पे और देऊँगा आगे। आपका आपको करना क्या है, आपका फिजिकल में जो भी प्रॉब्लम हो वो आप सब देख लीजिए। एक तो ये भिड़ने वाला ये चीज़ घुटनों में अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारे के सारे कमेंट में बताए, उसकी मैं आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज वगैरह वो सब देता रहूँगा, वो सारा आपको मैं बताता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए आपके फिजिकल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल की प्रॉब्लम भी मैं आपको कौन कौन सी वहाँ पर चेकअप होगा वो सारा का आपको बताने वाला हूँ। फिजिकल में क्या क्या चेकअप होगा वो बताऊँगा मैं आपको, चाहे आपका उसमें एक तो हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारा आपको उसकी जो एसएसजीडी का जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो सारा आप एक बार देख लीजिए। इसमें आपका चेस्ट उतना है क्या, आपका हाइट उतना है क्या, आपके घुटने अगर यहाँ तो घुटने तो नहीं टकर रहे हैं आपके, आपके हाथ वाला ये तो नहीं टकर रहे हैं कोहनियों में, तो वो सब आप एक बार चेक कर लीजिए। और उसको भी अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, तो 45 दिन तो मिनिमम है ही, 45 या 2 महीने तो है ही कम से कम फिजिकल के लिए, मिनिमम 2 महीना लगेगा फिजिकल के लिए। तो आपको क्या करना है, 2 महीने में अपना जो भी कमी है वो सारा एकदम अच्छे से रखिए। अब इन 2 लाख जनों में कोई बहुत ज़्यादा मोटा होगा, किसी की आंखों में प्रॉब्लम होगा, किसी का हाइट में प्रॉब्लम होगा, वो उन सारों की छंटनी होनी है। तो आपको क्या करना है, अपने को फिट बनाना है एकदम। अब कोई मोटा है वो इस आलस में रहेगा कि मेरे तो उन्होंने बता दिया कि कट ऑफ से 10 या 15 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, मेरे तो है ही नहीं, तो फिर वो तैयारी करेगा ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करना है, वो सब चीज़ें फुल फ्लेश एकदम
बस तैयारी करते रहिए। बस मैं आपको ये कहूँगा, आपको जो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका इस SSGD के बारे में कुछ भी कहना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।